अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि सलील के माता पिता ने दो भूल की थी, पहला सलील को धमकाने की भूल और दूसरा कि सलील के विद्यालय कभी भी न जाने की भूल। तो यहाँ पर अध्यापक जो है वही बात उन्हें कहते हैं कि यह आपकी दूसरी भूल है, आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। तो क्या सलाह देते हैं अध्यापक यहाँ पर रामकिशोर जी को कि आपको सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और जाकर क्या करना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। तो यह राय जो है यहाँ पर विद्यालय जाने के सुझाव देते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा प्रश्न बनता है कि मास्टर साहब ने सलील के माता पिता को सुझाव दिए, अभी क्या सुझाव दिया? तो पहला सुझाव दिया कि बच्चे को धमकाना नहीं चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और दूसरा जो है उन्हें सुझाव दिया कि विद्यालय सप्ताह में एक बार जरूर जाना चाहिए तथा जाकर वहां पर देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और उसमें सहायता करनी चाहिए। अब जब वह मास्टर जी इस तरह से समझाते हैं तो यहाँ पर माँ रामेश्वरी जवाब देती हैं, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। अब यहाँ पे आ सकता है कि काल पहचानिए, अब ये कौन सा काल है, मैं कल ही विद्यालय जाऊंगी, गा गे गी गे आ गया, तो ये हमारा हो गया सामान्य भविष्य काल। इसका काल क्या है क्योंकि अभी ये जाने वाली है, तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल। रामकिशोर, आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। वो भी कहता है कि मैं भी सप्ताह में एक बार जरूर मिलूंगा। अध्यापक क्या कहते हैं, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, और वह फिर आगे आज्ञा मानते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा दृश्य खत्म होता है। अब यहाँ पे एक हम स्वमत का प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे प्रगति के लिए शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये बात सही है कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है कि किस तरह से हम अपने मस्तिष्क और अपने बल का प्रयोग करें। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ न दे वह व्यर्थ है, क्योंकि कभी भी बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ अलग ज्ञान जरूर रखना चाहिए। शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण तो करती ही है, वह मनुष्य के मस्तिष्क को भी पोषित करती है, उसका भी पालन पोषण करती है, हमारे अंदर एक अच्छे विचार का संचार करती है। यह युग प्रतिस्पर्धा का युग है, हम सभी को मालूम है। तो इस युग में वही टिक पाएगा जो अपने ज्ञान की गरिमा से लोगों को चमत्कृत कर देगा, अर्थात जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करेगा वही व्यक्ति यहाँ टिक पाएगा। दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंचेगी, यह हम सभी इस तैयारी में हैं। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए तो हम हर क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे, इसलिए यह कहना सही है कि शिक्षा का कोई भी विकल्प नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलेगा।
पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं तीसरा दृश्य कि अब यहाँ पे तीसरे दृश्य में क्या होता है। सलील जो है वह बैठक में बैठा हुआ है, अपने काम में तल्लीन है। तल्लीन होना अर्थात व्यस्त होना। अब ये मुहावरे वाला शब्द है, तल्लीन होना अर्थात व्यस्त होना। तभी राकेश का प्रवेश होता है। राकेश, नमस्ते भाई सलील। सलील अब क्या जवाब देता है? नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। अब वह हालचाल पूछता है। भाई मैं तो गृहकार में लगा हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। ये खाली स्थान के लिए आ सकता है कि मैं तो खाली स्थान में लगा हुआ हूँ। खाली स्थान में लगा हुआ हूँ अर्थात गृह कार्य में लगा हुआ हूँ। अब राकेश कहता है, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना? तब यहाँ पे राकेश जो है वह सलील से क्या पूछता है? तो राकेश सलील को पहले कहता है कि तुम तो सब विषयों में होशियार होते जा रहे हो और कल नाटक देखने चलोगे ना? तो सलील क्या जवाब देता है? जरूर चलूंगा। अब यहाँ पर राकेश कहता है, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, क्योंकि पहले बंधन था और अब राकेश के ऊपर कोई भी बंधन नहीं था। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न शहर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा की। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न बनता है कि पिताजी के द्वारा सलील पर लगाए गए बंधन, संजाल पूर्ण कीजिए, तो क्या क्या बंधन थे? पहला बंधन, किसी के साथ खेलने की आज्ञा न देना, अर्थात खेलने पे बंधन। दूसरा, सैर करने पर बंधन। तीसरा, पिकनिक न जाने पर बंधन, पिकनिक जाने पर बंधन अर्थात पिकनिक की अनुमति न देना, और सिनेमा जाने पर बंधन। इस तरह से 4 हमको मिल गए। इन सभी पर सलील के पिताजी पहले जो है बंधन लगाते थे। राकेश चला जाता है, मास्टर जी आते हैं। सलील, अब वो सलील क्या कहता है? नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो? अब सलील जवाब देता है, आपका दिया हुआ काम। अध्यापक, कर लिया? सलील, जी हाँ, सभी विषय में काम पूर्ण कर लिए हैं। अर्थात अब जो है वह अपने कार्य को महत्वता देने लगा और सभी काम समय से पूर्ण करने लगा। तो यहाँ पर अध्यापक जो है उसे कहते हैं, शाबाश, अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए, तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। तब यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पर सलील के माता पिता सलील के या सलील से कौन कौन प्रसन्न था? तो सलील से उसके माता पिता, विद्यालय के अध्यापक सभी प्रसन्न थे। फिर सलील कहता है, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सलील जवाब देता है, कल राकेश
कि विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो अध्यापक, जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। तो यहाँ पर फिर से बनता है कि इस वाक्य को पहचानिए, काल पहचान कर लिखिए। अब मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा, यह हमारा कौन सा काल हो गया? सामान्य भविष्य काल। यह हमारा क्या हो गया? सामान्य भविष्य काल। कि यहाँ पर वह कहते हैं कि हम तुम्हें अनुमति दिला देंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि वाक्य से, शब्द से, जैसे अनुमति, अनुमति शब्द से उपसर्ग चुनकर लिखो। तो पहले अलग करके लिखना है, तो अनुमति, और यहाँ पे उपसर्ग शब्द जो हो गया वह हो गया अनु। अब हम आगे देखेंगे कि अब यहाँ पे अध्यापक क्या कहते हैं। राम किशोर जी, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं, नमस्ते राम किशोर जी। राम किशोर, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सलील के पिता राम किशोर ने सलील के बारे में अध्यापक से क्या कहा, या अध्यापक से यह कहा, जाल पूर्ण कीजिए। तो पहला बात क्या कहा कि सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। दूसरा, यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। तो यह जो है, सलील के पिताजी ने मास्टर जी से कहा, अध्यापक, नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या है, यह तो सलील की लगन का फल है। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए वाक्य पूर्ण कीजिए, यह तो सलील की खाली स्थान का फल है। तो क्या आएगा? लगन, कि यह तो उसकी लगन, लगन अर्थात मेहनत का फल, परिश्रम का फल। रामेश्वरी, यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया। तो रामेश्वरी अध्यापक जी के क्या जवाब देती है? रामेश्वरी कहती है कि सब तो ठीक है, लेकिन यह सब रास्ता किसने दिखाया है? मास्टर जी ने, अध्यापक जी ने दिखाया है। तब यहाँ पर अध्यापक जी कहते हैं, आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हैं। अब अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। तब वो बोलते हैं कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रामकिशोर, क्या बात है? फिर अध्यापक कहते हैं, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया सलील को नाटक देखने जाने दें। तो रामेश्वरी कहती है, मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। अब यहाँ पर जो है वह भी जाने के लिए तैयार थी। रामकिशोर, चलो यह और भी ठीक रहेगा। अब इसके बाद अध्यापक क्या कहते हैं, रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हम स्वस्थ नागरिक किस तरह से तैयार कर पाएंगे। तो हम स्वस्थ नागरिक
तभी तैयार कर पाएंगे जब हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनाएंगे, तब हम जो है एक अच्छी नागरिक की निर्मिति कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सोमत के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए, क्या इस बात से आप सहमत हो? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जिंदगी की रचना जो है वह सुख दुख के मिश्रण से ही हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज सुखी है तो कल दुखी नहीं होंगे, या आज दुखी है तो कल सुखी नहीं होंगे। दुख और सुख जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी के कुछ पृष्ठ फूलों के समान मनोहर अक्षरों से लिखे हैं, जिसमें हमने प्रेम, शांति और उल्लास का संचार करते हैं। इसके विपरीत जो है कुछ भाग में जो है हमें तकलीफें होती हैं, जिसे मन में घृणा, अशांति और विवाद उत्पन्न होते हैं। विचारवान व्यक्ति जो है इन दोनों पहलुओं को धैर्य पूर्वक राग देश रहित होकर देखता है, सुनता है, पढ़ता है, और वे जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी को शाश्वत बनाते हैं, आसान बनाने का कार्य करते हैं।